कभी आसान नहीं होती यारो, किसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। दुनियादों की दीवारों को हम है साधे, देशभक्ति का दीप जलाना पड़ता है। किसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। पहले प्यार था जो, वो अब मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गया। एक दूसरे को समझाना बस मनगाना सा हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राजधानी लखनऊ के चारबाग स्थित बाल संग्रहालय में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी जीवन जागृति जन कल्याण समिति की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। गजलकार डॉक्टर हरि फैजाबादी की अध्यक्षता व मशहूर कवित्री डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव के संयोजन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबू सुंदर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के चेयरमैन आनंद शेखर सिंह व वाइस चेयरपर्सन रीना सीर बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वही नीर गोरखपुरी ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडिका श्रीवास्तव ने कथक नृत्य की प्रस्तुति देकर की, जिसके बाद डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव ने सरस्वती वंदना कर कवि सम्मेलन का आगाज किया। माँ मेरी मुझ पर जरा उपकार कर, ज्ञान की देवी मुझे तुम ज्ञान दो, लेखनी चलती रहे वरदान दो, ज्ञान का दीपक जले अंधियार में, सब सदा सुख में रहे संसार में, पाप माँ जो हो गई अनजान में। देखिए, कोरोना का टाइम चल रहा था, कितना विकट समय था ये। हम सभी अपने आराध्य को याद कर रहे थे और हम शायद चिंतन मनन भी कर रहे थे कि ऐसा हुआ ही क्यों। तो सुनिएगा ये लाइनें। पाप माँ जो हो गए अनजान में, व्यर्थ की इन इच्छाओं को पाने में, कंठ में माँ आपका ही वास हो, सत्य लिखने पढ़ने का अभ्यास हो, आशीष दो माँ वीणा को झनकार कर, मात वीणा पारनी उद्धार कर, माँ मेरी मुझ पर जरा उपकार कर। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव ने अपनी मधुर कविताओं के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं इस मौके पर आए कई कविगणों ने अपनी मधुर कविताओं से समा लगातार बांधे रखा। क्या क्या सह रहा था, गलतियाँ दोनों की ही नहीं थी, सब सही करने की आस दोनों की रही थी, शायद मैं सही और तुम गलत की होड़ में सब छूट रहा था, शायद मैं सही और तुम गलत की होड़ में सब छूट रहा था, अनजाने में ही सही पर दोनों का दिल टूट रहा था। कहना बहुत कुछ था पर कुछ कह ना पाए, दिल में नाराजगी के बादल जो थे छाए, जिस दिन नाराजगी की बरसात हुई वो दिन था जब शायद प्यार से आखिरी बार बात हुई, दिल में प्यार तो था पर गुस्सा हावी हो रहा। कविगणों ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को हंसाने के साथ ही कई सामाजिक समस्याओं को भी उजागर किया। कार्यक्रम में प्रमुख तौर से सौरभ श्रीवास्तव, विपिन मलिहाबादी, मंजुल मिश्र मंजर, रेणु द्विवेदी, श्रुति श्रीवास्तव, आशुतोष पांडे, सौरभ जायसवाल, रागिनी श्रीवास्ती आदि मौजूद रहे। इसके साथ ही राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग की तरफ से संग्रहालय परिसर में प्रदर्शनी भी लगाई गई। चलिए अब आपको इस कवि सम्मेलन के कुछ प्रमुख अंश दिखाते हैं। यहाँ पर मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, मेरे सास ससुर भी बैठे हुए हैं पीछे। अगर वो इतना मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं शायद यहाँ नहीं।
मेरा बेटा है 12 साल का, वो भी आया हुआ है। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, इनफैक्ट मंच को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे हमारे बहुत ही समृद्ध मंच पे ओज के कवि बैठे हुए हैं सौरभ श्रीवास्तव जी। आज मैंने भी शायद कुछ प्रयास किया है लिखने का, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हमारे बीच में डॉक्टर हरि फैजाबादी जी हैं, मंजुल मंजर सर हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं ये लोग। हम नवोदित अपने आप को समझते हैं। सुनिएगा एक गीत, मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये आज़ादी का गीत है जो कि यहाँ पे खादी में लिखा हुआ है, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैं उस दिन आई थी तो मैंने पढ़ा था, तो बस मन के भाव निकले हैं इस गीत को। बस यहाँ से आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा तो ये पूरे देश में ये गीत भ्रमण करेगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आजादी आसान नहीं होती यारो, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। देखिए हम भारत देश तो पक्का ही आजाद हो गया है, लेकिन हम क्या अभी आजाद हुए हैं, ये चिंतन मनन का विषय है। सुनिएगा कि आजादी आसान नहीं होती यारो, किसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। बहरों को एक शोर सुनाना पड़ता है, दार तलक में खुद ही जाना पड़ता है। दार का मतलब होता है फांसी। हमारे समृद्ध मंच के लोग बैठे हुए वो समझते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे जनता बैठी है, उनको भी समझाना बहुत जरूरी है। आपके मन को यदि छुए तो अपने तालियों के माध्यम से मेरा उत्साह बढ़ाइएगा, मुझे आशीर्वाद और स्नेह दीजिएगा। कि आजादी आसान नहीं होती यारो, किसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। बहरों को एक शोर सुनाना पड़ता है, दार तलक भी खुद ही जाना पड़ता है। अगला बंद आप सभी के सामने रख दिया है, आइए उनको यहाँ पे उतारते हैं और उनको हम याद करते हैं। सुनिएगा इस बंद में, देखो राजगुरु को, देखो भगत सिंह को, आजादी के मतवालों के सुपर किंग को। देखो राजगुरु को, देखो भगत सिंह को, आजादी के मतवालों के सुपर किंग को। अशफाकों को, सुखदेवों को, लालाओं को। उस समय की जो पीढ़ी थी, वो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सभी अशफाक थे, सभी सुखदेव थे, सभी भगत थे। अशफाकों को, सुखदेवों को, लालाओं को, शेखर बिस्मिल और सुभाष की पीड़ाओं को। अरे जाने क्या क्या खाब जलाना पड़ता है, किसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। अरे आजादी आसान नहीं हो यारो, किसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। अब आगे के बंद में वो मैं त्याग की बात कर रही हूँ जो हमारे नेताओं कर चुके हैं, जो हमारे दादी जी कर चुके हैं। सुनिएगा 57 से 47 के अमर द्वंद को। शुरुआत तो वहीं से हुई थी, एक तरफ मंगल पांडे और एक तरफ झांसी की रानी। देखिए क्या अद्भुत दृश्य आप सभी के सामने है। 57 से 47 के अमर द्वंद को, दिनकर की कविताओं वाले मुख्य छंद को। याद करो गांधी की लाठी, नेहरू टोपी, लौह पुरुष की उजली उजली कुर्ता धोती। जीवन भर एक त्याग निभाना पड़ता है, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। कि आजादी आसान नहीं होती यारो,
इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। बहरों को एक शोर सुनाना पड़ता है, दार तलक भी खुद ही जाना पड़ता है। ये आखिरी बंद जो एक कवित्री कहती है, एक स्त्री के याद दिलाती है, हम सभी अपने कर्तव्य को याद करें। इस आखिरी पद में आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिले, एक बार जोरदार मुझे तालियां बजा के बता दीजिए। निवेदित करती हूँ ये बंद सुनिएगा। अब तक तो इस जाबाजों की कथा शेष है, अब तो जो हम कहते हैं बस वो विशेष है। अब तो बस इन जाबाजों की कथा शेष है, अब तो जो हम कहते हैं बस वो विशेष है। अब तो सारा भार रखा है अपने कांधे, बुनियादों की दीवारों को हम है साधे। देशभक्ति का दीप जलाना पड़ता है, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। बहुत सुंदर गीत सुना, बहुत बहुत बढ़िया, और ये बिल्कुल अलग रूप तुम्हारा देखा। बोला जाता आप सभी से निवेदन है कि हमारे बैठे रहिएगा और हमारे जो वरिष्ठ कवि लोग हैं उनको सुन के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल अलग रूप छोटा आपका देखने को मिला था, श्रृंगार और गीत गजल आपको सुना, लेकिन ये बिल्कुल अलग था, बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था, बिल्कुल अद्भुत। अब मैं आपके बीच में जैसे साइज की आस थी पर हकीकत में कठिनाइयां मेरे पास थी। बस इतना ही तो मांगा था कि तुम मुझे सुनो और समझो, ना चाहा था कभी कि तुम मुझे गम दो। शायद तुम मुझे समझ ना पाए या मैं समझा ना पाई, इसी के कारण जिंदगी में मायूसी है छाई। वो छोटी छोटी बातें जो तुम्हें गुस्सा थी दिलाती, वो मासूमियत और नादानी थी मेरी, बस यही रह गई समझाती, पर शायद समझा ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर शायद समझा ना पाई, बातों पे विश्वास दिला ना पाई। जो दो लोग एक दूसरे को समझते थे, जान तक छिड़कते थे, वो एक दूसरे से लड़ने लगे, साथ अनजाने में छूटने और दिल बिछड़ने लगे। बहुत सुंदर। जो दो लोग एक दूसरे को समझते थे, जान तक छिड़कते थे, वो एक दूसरे से लड़ने लगे, साथ अनजाने में छूटने और दिल बिछड़ने लगे। जो एक दूसरे के बिना कहे समझ जाते थे कभी, वो हर बात में गलतियां निकालने लगे हैं अभी। पहले प्यार था जो, वो अब मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गया। एक दूसरे को समझाना बात मनवाना सा हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी बहुत ही प्यारी नमांकुर श्रुति के लिए। पढ़ो बेटा। पहले प्यार था जो, वो अब मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गया। एक दूसरे को समझाना अब बात मनवाना सा हो गया। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है पर जोड़ना उतना ही मुश्किल। It is equal to climbing up a hill. क्या बात, वाह, बहुत सुंदर। काश वो बातें समझ पाता और वो बातें समझा पाती, बस यही छोटी सी चीज थी वो जो। अपने मतलब नहीं होता, मैं तो नाम लिखता हूँ जय हो, मैं तो लिखता हूँ जय हो जिंदाबाद, बाकी नहीं था समझ आप सकते हैं, मतलब लिखता भी नहीं। दादा हमको पहले नहीं बुलाते हैं। अगर श्वेता जी का ताबे पार जम गया तो जम गया, नहीं तो गला तो खराब है ही है, हमें क्या दिक्कत है। तो ये तो घटना है, ये तो कभी बातें बताते ही नहीं। हम हिंदी हमारी बहुत स्ट्रांग थी सर। हमारे गुरु जी ने कहा कि सौरभ तुम भूतकाल का उदाहरण बताओ। हमने कहा कि हमारी प्रेमिका का भाई अपने चार दोस्तों के साथ मिलके हमको उसने जम के कूटा था। गुरु जी ने कहा अच्छा भविष्य काल का उदाहरण बताओ।
हमने कहा हमारी प्रेमिका का भाई अपने चार दोस्तों के साथ हमको जी भर के कूटेगा। गुरु जी कहने लगे यूं कैसा उदाहरण है कि कूटा था और कूटेगा। हमने कहा गुरु जी आप नहीं जानते प्रेमिका वही है भाई वही है। तो कूटेगा तो है ही है, तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है। हमने कहा कि बेबी बाबू जान से डर लगता है, कि बेबी बाबू जान से डर लगता है, अब तेरी कातिल मुस्कान से डर लगता है, और मोबाइल का खर्चा तो जैसे तैसे झेला था, कि बेबी बाबू जान से डर लगता है, अब तेरी कातिल मुस्कान से डर लगता है, मोबाइल का खर्चा तो जैसे तैसे झेला था, पर अब तेरे मेकअप के सामान से डर लगता है। पर अब तेरे मेकअप के सामान से डर लगता है। जितने नीर भाई इतना वाह वाह कर रहे हैं जैसे लग रहा मेकअप की सारी आपदा ही नहीं कर रहे हैं। हरे दरख्तों से कहाँ बननी है जिस्म की राह, यानी एक लाश ही एक लाश को जलाती है। हरे दरख्तों से कहाँ बनी है जिस्म की राह, यानी एक लाश ही एक लाश को जलाती है। एक गजल मैं पढ़ता हूँ, मैं जब भी बैठे थे खुदाए जहाँ उसको, वो शख्स जो ख्वाब दिखाया करता था, एक लकड़ी भी ना मिल सकी चिता को उसकी, एक लकड़ी भी ना मिल सकी चिता को उसकी, वो जो पेड़ों को पानी पिलाया करता। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक लकड़ी भी ना मिल सकी चिता को उसकी, वो जो पेड़ों को पानी पिलाया करता था, खुद को गिरवी रख लाया है चंद सिक्के, खुद को गिरवी रख लाया है चंद सिक्के, कमबख्त शाहों की अशर्फियाँ बनाया करता था, कमबख्त शाहों की अशर्फियाँ बनाया करता था। कर दिया गया सरे बाजार नंगा उसको, कर दिया गया सरे बाजार नंगा उसको, बेचारा कपड़ों में पैबंद लगाया करता था। वाह वाह सुता, वाह कि मार खा करके भी जो मैं हंसता, असली को बहुत हंसेंगे नहीं देखना। कि मार खा करके भी जो मैं हंसता, असली पति कायदे से वही है। वाह विनोद भाई नहीं हंसे, सही बता रहे। अच्छा पति ऐसा होता तो पत्नी कैसी होती, असली पत्नी भी तो होनी चाहिए। कि पत्नी असल वही पति पे जो तनीरा है, कि पत्नी असल वही पति पे जो तनीरा है, बार बार दान मार छाती पे सवार हो, और हाथ पाँव बेलन चलाना जी नहीं आए, और गुंडे पट्टे टाइप के ससुर वसार हो, कि गुंडे पट्टे टाइप के ससुर वसार हो, तो मेरी वाली पलड़ पे एक हाथ रख दे, तो दूजे पलड़ पे मेरे जैसे तीन चार हूँ। प्रेम देखना कि बावजूद इसके जन्म हर वही मिले, वो चाहे भले मेरी तरह वह भी गंवार हो, चाहे भले मेरी तरह वह भी गंवार हो। संस्कृत वही पुरानी हूँ जिस पर गर्वी सारी दुनिया, संस्कृत वही पुरानी हूँ, अंगारों से खेल चुकी हूँ झांसी वाली रानी हूँ। जिस पर गर्वी सारी दुनिया, संस्कृत वही पुरानी हूँ, अंगारों से खेल चुकी हूँ झांसी वाली रानी हूँ, भारत माता की गोदी में गंगा बनकर बहती हूँ, सत्य अहिंसा मैं जीवन है, बेटी हिंदुस्तानी हूँ, बेटी हिंदुस्तानी हूँ। और चार पंक्तियाँ मैं नारी शक्ति भी पढ़ती हूँ, हमारी अतिथि लोग भी बैठी हुई हैं, मैं उनको ही समर्पित करती हूँ चार पंक्तियाँ। कि मैं नारी हूँ पानी जैसी, मैं नारी हूँ पानी जैसी, हर सांचे में ढल जाती हूँ, बर्फ समान कठोर लगूं पर तनिक आँच से गल जाती हूँ। मैं नारी हूँ पानी जैसी, हर सांचे में ढल जाती हूँ, बर्फ समान कठोर लगूं पर तनिक आँच से गल जाती हूँ, सहनशील हूँ मैं स्वभाव से, लेकिन कम मत समझो मुझको, सहनशील हूँ मैं स्वभाव से, लेकिन कम मत समझो मुझको, अबला जैसी दिखती हूँ पर दुर्गा भी बन जाती हूँ। वाह 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 वाह। और मैं एक गीत पढ़ती हूँ कि
हम लोग इतना आगे आ चुके हैं, फिर भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, तब मन बहुत पीड़ित होता है, व्यथित होता है। तब मेरे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, आशा निर्भया जैसी तमाम लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हैं, कुछ लोगों को लोग हम सभी लोग जान जाते हैं, बहुत ऐसे हैं जो नहीं जान पाते, मैं उन्हीं सबों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये गीत लिखा है, आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करती हूं बातें। आप सभी लोग निर्भया और आशा का चित्र अपनी मन में रखिएगा। और मेरा गीत कि परियों के सुंदर पंखों को नोच रहे थे बाज, परियों के सुंदर पंखों को नोच रहे थे बाज, स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज। परियों बहुत बहुत धन्यवाद। कि परियों के सुंदर पंखों को नोच रहे थे बाज, स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज। और अंतरा निवेदित करती हूँ कि देख दृश्य यह दानवता का, भूमि गगन थे मौन, इन गिद्धों से परियों को अब भला बचाए कौन। देख दृश्य यह दानवता का, भूमि गगन थे मौन, इन गिद्धों से परियों को अब भला बचाए कौन। घूम रहे बे खौफ भेड़िए थी कतरे में लाज, स्वप्न भयानक देखा मैं।